कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन जेडीएस भी इन चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। जेडीएस ये साफ कर चुकी है कि वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2018 में फर्जी बीमा बॉन्ड के जरिए मतदाताओं को लुभाने के मामले में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तुमकुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस विधायक गौरीशंकर को अयोग्य घोषित कर दिया है। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट ने अयोग्यता को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया, ताकि गौरीशंकर के वकील सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ये फैसला बीजेपी उम्मीदवार बी सुरेश गोड़ा की दायर एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया है। बी सुरेश गोड़ा को गौरीशंकर ने 2018 के चुनाव में मात दी थी। गौरीशंकर पर 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को फर्जी बीमा बॉन्ड वितरित करने के लिए चुनावी कदाचार का आरोप लगा था। आपको बता दें कि जेडीएस विधायक पर 32 साल की उम्र के लोगों को 16,000 फर्जी पॉलिसी बीमा बॉन्ड जारी करने का आरोप लगाया गया था। गौरीशंकर के खिलाफ शिकायत में दावा किया गया है कि उन्होंने 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन हासिल करने की कोशिश में नकली बॉन्ड बांटे। गौरीशंकर ने तुमकुर ग्रामीण का प्रतिनिधित्व करते हुए 5,640 मतों के अंतर से 2018 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीता था। वो 2008 के विधानसभा चुनाव में मधुगिरी सीट के लिए चुनाव लड़े और गांधी ने 2019 में मोदी सरनेम पर कर्नाटक के जिस कोलार में बयान दिया था, अब उसी जगह पर राहुल गांधी सत्यमेव जयते अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी 5 अप्रैल को कोलार से पार्टी का देशव्यापी सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने कहा कि राहुल अब इसी मिशन पर आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार ने आनंद शर्मा के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अगले मिशन के बारे में जानकारी दी है। डीके शिवकुमार ने कहा, राहुल गांधी की अयोग्यता का मुद्दा कोलार में उनके भाषण के साथ शुरू हुआ था। 5 अप्रैल को राहुल गांधी कोलार आएंगे और वहां से अपना सत्यमेव जयते आंदोलन शुरू करेंगे, जो पूरे देश में जाएगा। डीके शिवकुमार ने आगे कहा, हमने उनसे यहां से शुरुआत करने के लिए कहा, वे तैयार हो गए और इसके लिए तैयारी चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी कोलार की धरती से बदलाव का संदेश देंगे। राहुल गांधी के समर्थन में कई राज्यों में कांग्रेस ने मेरा घर आपका घर मुहिम पहले ही शुरू कर रखी है। इस मुहिम के तहत राहुल को कांग्रेसी नेता अपने यहाँ रहने का न्योता दे रहे हैं। कई राज्य राहुल गांधी को आमंत्रण पत्र भेज रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन आवास को खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को घर देने की पेशकश कर रहे हैं। कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2024 के पूर्व चुनाव की तैयारी थी। अब कांग्रेस मिशन मूड में ये चुनाव लड़ने वाली है। सत्यमेव जयते मिशन के बाद राहुल गांधी कई प्रदेशों में अपना चुनावी अभियान तेज कर सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता एक बार फिर संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस ने पकड़ खोई है, वहां एक बार फिर से पांव जमाने की कोशिश की जा रही है। महीने का आज आखिरी दिन है। ये महीना इस वित्त वर्ष का आखिरी महीना है और इसी के साथ वित्त वर्ष 2023 खत्म होने जा रहा है। वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई चीजों में बदलाव भी हो रहा है। डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स से लेकर एनपीएस विड्रॉल, पोस्ट ऑफिस स्कीम और अन्य चीजों में बदलाव हो रहा है। ये बदलाव हैं। बजट 2023 में घोषित किए गए आयकर से जुड़े बदलावों को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। नई टैक्स व्यवस्था में 5 लाख के बजाय लिमिट बढ़कर 7 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। दूसरा, लीव ट्रेवल अलाउंस इनकैशमेंट 3 लाख की जगह बढ़कर 25 लाख रुपए हो जाएगा। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए प्रीमियम से ज्यादा देने पर टैक्स देना होगा। तीसरा, मार्केट लिंक डिबेंचर में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी और फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में बदलते हैं तो इस पर कोई कैपिटल टैक्स नहीं होगा। 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स का लाभ नहीं दिया जाएगा। नियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1 अप्रैल से 15 लाख की जगह निवेश की लिमिट बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। इसके अलावा मंथली इनकम स्कीम में निवेश की लिमिट 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए हो जाएगी और ज्वाइंट खाते के तहत लिमिट 9 लाख से 15 लाख रुपए हो जाएगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने KYC दस्तावेज को अपलोड करने को अनिवार्य किया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। एनपीएस यूजर्स को पैसा निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म, पहचान और एड्रेस प्रूफ
बैंक अकाउंट पैन की कॉपी देनी होगी। रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी घोषणा 6 अप्रैल को होनी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक और रेपो रेट में इजाफा हो सकता है। HUID नंबर वाले सोने की ज्वेलरी और अन्य सोने के प्रोडक्ट को भारत के सभी ज्वेलरी स्टोर पर बेचने की अनुमति होगी। एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव करने वाला है, जो कल से लागू होगा।